वज्रायणम् नमो लोये सर्वसाहूरम्। पढ़ेंगे स्वभाव विभाव पर भाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान तापाधारक ताशपुने नमो चेत धरि ध्यान तापाधारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरसूर उपाध्याय सब साधु पद नमत होय अगचूर नमो वीर जिन जगत गुरु गढ़धर गौतम धीर तिन दर्शाए तत्व सब स्वपर भाव जुतवीर सप्त तत्व मध्य जीव ही सुख दुख वेदन हार और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जीव सार जीव भाव त्रेपन कहे पंच भाव सामान तिनका वर्णन करते भाव दीप श्रुत जान। पेज नंबर 33। हमारी बात मिथ्यात्व अधिकार पे चल रही है और उस मिथ्यात्व अधिकार में कल हमने पदार्थों का स्वरूप प्रारंभ किया था। उसके पहले हमने देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ इस तरह छह मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व हैं। तो इनमें मोक्ष मार्ग के संबंध में इन छह चीजों की जानकारी आवश्यक है या इनका सही स्वरूप समझना श्रद्धान करना आवश्यक है। तो इसमें आखिरी में जो पदार्थ नौ पदार्थ हैं उन पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो कल हमने जीव और अजीव पदार्थ के बारे में पढ़ा था और कल एक क्वेश्चन भी आया था जीव पदार्थ में। जीव दो प्रकार के कहे थे, एक मोक्ष के कारण जीव, दूसरे संसारी जीव। और मोक्ष के कारण जीव के नौ प्रकार बताए थे जिसमें पंच परमेष्टी और चतुर्विध संघ। तो ये थोड़ा हमने डिस्कस किया था कल भी कि ये मुनि आरिका श्रावक श्राविका में भी मुनि आ जाते हैं एंड जो पंच परमेष्टी में भी मुनिराज आ जाते हैं। तो एक तो ये भी हो जाता है अंतर इसमें कि एक पंच परमेष्टी का हो गया और एक चतुर्विध संघ का हो गया। दूसरा कल हमने थोड़ी चर्चा सरवार जी ने उनसे करी थी, राकेश पंडित जी ने, तो उन्होंने बताया था कि जो साधना करने वाले हैं वो साधु और जो मनन करने वाले हैं सुमुनि। तो इस तरह से भी थोड़ा अंतर आ जाता है साधु पद में और मुनि पद में, मतलब यदि आप शब्द से अंतर देखो तो। बाकी पद तो एक ही है, पद में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन जो मनन करने वाले सुमुनि और जो साधना करने वाले वो साधु। और वो अकेले एक थोड़ा जैसे पंच परमेष्टी को और चतुर्विध संघ को यहाँ पे उन्होंने शामिल किया कि जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में बताया था और अब आश्रय तत्व के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। भैया, अरे भैया, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक और बात ले सकते हैं कि जब हम ये प्रूफ करते हैं ना कि समय सार खाली मतलब साधुओं का ग्रंथ नहीं है, मतलब श्रावकों का ग्रंथ भी है, तो मतलब वहां पे विपक्ष ये तर्क देता है कि इसमें बहुत जगह साधु शब्द यूज हुआ है। तो उस पर कल्पना दीदी ने इस प्रकार बताया था कि साधु का अर्थ लेना सज्जन, तो मतलब यहाँ पे हमें ना चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी जीव भी ले सकते हैं क्योंकि श्रावक में पंचम गुण स्थानवर्ती आ गए और जो सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वो भी मोक्ष के कारण का जीव है, तो इसलिए उसे भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पंच परमेष्टी में लिया ना, यहाँ पे जो साधु शब्द लिया है वो पंच परमेष्टी के साथ में लिया, अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वो वाला आपकी बात ठीक है बिल्कुल, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया ना साधु, वो किसके साथ में आया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो यहाँ पे अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के साथ में आया, ठीक है ना। इसी
ठीक है, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। सरवार जी अभी आए नहीं आज, मतलब किसी कारण से नहीं आ पाए, मैं ही पढ़ता हूँ। देखिए, अब आश्रव तत्व कहिए, द्रव्य कर्म नव कर्म रूप परिणमन को कारण ऐसी पुद्गल कर्म वर्गणा, तिनके योग द्वार करी आगमन सो मूल आश्रव कहिए, अरु तिनके आगमन का कारण मन वचन का योग है, ताते योगनी को भी आश्रव कहिए। बहुरी कर्मणि विषय स्थिति अनुभाग बंध का कारण ऐसी मिथ्यात्वर कसा है, अव्रत विशेष को धरे राग द्वेष भाव तिनको भी आश्रव कहिए, ताते मूल आश्रव के भेद 13 यथा ज्ञान वर्णादिक 8 कर्माश्रव, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमान ये 5 9 कर्माश्रव। बहुरी इनके कारण 57 भाव आश्रव है, जो कि 5-15 योग 25 कसाय अव्रत 12 मिथ्यात्व 5, ऐसे कुल 57 आश्रव के भेद हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आश्रव का स्वरूप हमने पढ़ा, देखिए क्या कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप परिणमन को कारण ऐसी पुद्गल कर्म वर्गणा, तिनके योग द्वार करी आगमन सो मूल आश्रव की। आश्रव का क्या परिभाषा करेंगे कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हमने शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा क्या पढ़ रखी है कि कर्मों का आना उसका नाम आश्रव है। तो वो कर्म कौन कौन से कि द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप परिणमन को कारण ऐसी कर्म वर्गणा का आना, किसके द्वारा कि ये योग द्वार से उनका आगमन होना, उसका नाम आश्रव। जो द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूप में परिणमेंगे, जो पुद्गल कर्म वर्गणा द्रव्य कर्म रूप और नौ कर्म रूप परिणमेंगे, जब उस रूप परिणम जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। देखिए थोड़ा आश्रव और बंध में क्या अंतर हो जाएगा, परिणमन हो जाएगा जिस समय तो बंद हो गया, लेकिन आने की योग्यता मतलब द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप परिणमन को कारण ऐसी पुद्गल कर्म वर्गणा, इनके योग द्वार करी आगमन सुमूल आश्रव कहिए, ठीक है ना। अरु तिनके आगमन का कारण मन वचन काय योग है, ताते योग को भी आश्रव कहिए, ठीक है। उनके आने में कारण कौन है कि मन वचन काय योग, ये मन वचन और काय का जो योग है चंचलपना है उसके कारण से आते हैं, इसलिए योग को भी आश्रव कहिए। फिर और बताया कि कर्म ने विषय स्थिति और अनुभाग बंध का कारण ऐसी मिथ्यात्व और कसाय अव्रत विशेष को धरे राग द्वेष भाव तिनको भी आश्रव कहिए, और किनको कहिए, देखो योग को भी उन्होंने आश्रव कह दिया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि कर्म में स्थिति अनुभाग बंध का कारण जो मिथ्यात्व है कसाय है और अव्रत भाव है, इस अव्रत भाव को धरे जो राग द्वेष भाव है उसको भी आश्रव कहिए। मिथ्यात्व कसाय और राग द्वेष भाव, ठीक है ना। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग, ये 5 होते हैं ना आश्रव के कारण, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग। और यदि प्रमाद को कसाय में गर्भित कर लो तो मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, ठीक है। यदि प्रमाद को कसाय में गर्भित कर लो तो समय सारज में भी ऐसा आता है कि 4 कारण लिए वहां पे, हम जैसे 5 पढ़ते ना मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग, और यदि प्रमाद को कसाय में गर्भित कर लिया जाए तो मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, इस तरह 4 भेद भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिथ्यात्व लिया है, कसाय लिया है, अव्रत भाव लिया है और योग लिया है, ठीक है। यहाँ मतलब प्रमाद को कसाय में गर्भित कर लिया है और इस तरह से ये 4 लिए। भैया ये द्रव्य कर्म वाले आश्रव की डेफिनेशन जो आपने मार्क किया ना, इसमें नौ कर्म को भी लिया है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूप परिणमन, तो नौ कर्म को क्यों लिया? नौ कर्म जैसे 13वें गुण स्थान से, 13वें गुण स्थान से कोई वैसा नवीन कर्म बंद, मतलब द्रव्य कर्म जो द्रव्य कर्म का आना थोड़ी ना हो रहा है, कर्मों का आना तो हो रहा है, तो वहां पे नौ कर्म आहार ही हो रहा है। जैसे 13वें गुण स्थान आदि में भी आश्रव का ना ईद पत आश्रव आदि, तो वो कैसा आश्रव होता है कि वो नौ कर्म का ही आश्रव हो रहा है वहां पर,
और हमारे भी नौ कर्म का भी आश्रय हो रहा है ना, अकेले द्रव्य कर्मों का आश्रय थोड़ी ना हो रहे, मतलब पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण मात्र, मतलब जो जो पुद्गल परमाणु का हमारे ग्रहण हो रहा है तो कर्मों के आना, ठीक है, तो वो नौ कर्म भी इसमें आ जाएगा, द्रव्य कर्म भी आ जाएगा। तो नौ कर्म मतलब कैसा नौ कर्म, ये शरीर वगैरह? हाँ ठीक है। भैया तेरहवें गुण स्थान में अघाती कर्म का आश्रय नहीं होता? नहीं नहीं, उस अघाती कर्म के आश्रय का भी कारण क्या होगा भाई, योग विकारी भाव तो चल नहीं रहा। तो आपने वो पढ़ते ना बंद विच्छुद्धि, तो दसवें गुण स्थान के अंतिम समय में बंधन खत्म हो जाता है ना, सभी प्रकार का बंध खत्म हो जाता है। वो एक समय का रहता है फिर चले जाते हैं। हाँ, तो भैया इसलिए तो उसे हिरण्यपद आश्रम कहते हैं। हाँ तो भाई मतलब वो दसवीं के बाद से चालू हो रहा है एक तरह से। तो वो नौ कर्म का होता है, घाती कर्म का होता है? देखो वो नौ कर्म ही बोलेंगे, द्रव्य कर्म है ही नहीं ना वो। द्रव्य कर्म तो तब बोले जब वो आठ भेद में से किसी भेद में पड़े। द्रव्य कर्म कैसे बोलोगे, जो द्रव्य कर्म आठ प्रकार के, तो वहां कोई ऐसा विभाजन होता ही ना दसवीं अनुष्ठान के बाद में, जब तक योग विद्यमान है और कर्मों का आना, मतलब उद्गल कर्मों का आना हो रहा है, उद्गल कर्मों का आना हो रहा है, तो उन वो किसी भी प्रकृति रूप से विभाजित होती नहीं। अच्छा, तो प्रकृति रूप नहीं होते तो आप उसे द्रव्य कर्म कैसे बोलोगे? इसलिए आप इसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो आगे के लिए भी, अपन टाइप कर सकते हैं और किसी से चर्चा भी कर सकते हो इस बारे में, यहाँ पे जो द्रव्य कर्म और नौ कर्म दो। मेरा ये कहना है कि इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो विभाजित तो हो गई ना, द्रव्य कर्म जो आठ तरह के कहे उनमें से किसी रूप में भी विभाजन नहीं होगा, तो फिर जब विभाजन नहीं होगा तो फिर उसे द्रव्य कर्म कैसे कहेंगे, तो वहां पे फिर नौ कर्म होगा। मोक्षमय प्रकाशिक में तो ऐसा है ना कि योग से प्रकृति और वो प्रदेश बंद होता है, और मतलब कषाय से और मिथ्यात से स्थिति और अनुभाग होता है, तो योग तो विद्यमान है ही, तो प्रकृति बंध तो मतलब प्रकृति मतलब आश्रव तो प्रकृति वाइज होना ही चाहिए। इसके कंफर्म कर, मतलब वो वाली बात ठीक है, लेकिन जैसे दसवें के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो दसवें के बाद वो बंध विच्छित हो जाता है ना कि कोई चीज बंधेगी नहीं। अरे तो भी मतलब दसवें के पहले, दसवें तक जो वाली बात है अपन को समझ में आती है, लेकिन दसवें के बाद में वो अपन को एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई जो इरियापत आश्रय भी होता है, वो इरियापत आश्रय भी क्या प्रकृति रूप हो जाता है क्या, मतलब हाँ। जो एक समय में आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, तो वो भी क्या हाँ। प्रकृति रूप होता है क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसे भी पुटअप कर सकते हैं। तो हमें आप इसे नोट डाउन कर लेना कि इरियापत आश्रय जो होता है वो इरियापत आश्रय प्रकृति में विभाजित होता है क्या। प्रदेश तो समझ में आता है कि कर्म परमाणुओं की संख्या जितनी आ रही है उसको हम उतनी जा रही है, लेकिन प्रकृति प्रकृति वाला प्रश्न हमारा रह जाता है। भैया मैं कह रहा था कि क्योंकि उदय वहां हो रहा है, उदय है, जा कैसे रही है, उदय होके जा रही है वहां पे हर समय। हाँ। तो जब वो पहले प्रकृति रूप होगी तभी तो उदय में आएगी। देखो उदय भी नहीं बोलेंगे, उदय जो उदयावली में आया है उसको उदय बोलेंगे, ये तो उदयावली में आती नहीं ना ये जो। नहीं भैया उदय उदय विच्छुति तो चौदहवें गुण स्थान में होती है, जो 85 प्रकृतियां बचती है लास्ट के दो समय में होती है उनकी, तो वो उदय विच्छुति उनकी है जो सत्ता में पड़े हुए हैं। हाँ तो, हाँ वो नए नए की हमारी बात चल रही है, जो इरियापत आश्रय के द्वारा आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलूं वो उसका उदय कैसे कहोगे आप, वो आपके सत्ता में से उदय में थोड़ी ना आ रहे हैं, मतलब स्टोरेज में से थोड़ी ना आ रही है उदय। जैसे वो आपका वो हो क्या स्टोरेज हो, स्टोर हाउस, गैरेज हो, हाँ। बोलते हैं स्टोरेज ही बोलते हैं, स्टोर हाउस ही बोलते हैं। एक होता है मतलब दुकान चला, दुकान चलती है, तो एक तो आया गया, और एक होता मतलब जो आपने दुकान पे खरीदा नहीं, आपकी दुकान से कोई बाहर खड़े खड़े खरीद, मतलब वो हो रहा ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ठीक है, और एक आप अपने दुकान के अंदर रखा हुआ माल बेच रहे, वो हो जाएगा सत्ता में से निकाल रहा, सत्ता में से निकाल रहा, और एक बाहर से ही निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है,
जो गोदाम से निकाल रहे हैं, एक गोदाम से निकाल रहे हैं, गोदाम से भी क्या मैं बोल रहा हूँ, दुकान से निकाल रहे हैं, जो हमारे पास सत्ता में पड़ा हुआ है, और एक हमारी सत्ता में से नहीं निकल रहा है, वो तो बाहर से आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। ठीक है, तो बहुत मोटा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो ये हमारी बात कहाँ चल रही थी, ये हमने पढ़ा था। देखो तो यहाँ पे आश्रम में किन किन को शामिल किया, देखो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि द्रव्य कर्म आदि के आने को, मतलब जो कर्मों का आना है इसको आश्रम कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि इसके कारण कौन है, कि इसका कारण योग है तो योग को भी आश्रम का, और इसका कारण कौन है कि मिथ्यात्व कषाय अवृत्ति, ये इसके कारण है मिथ्यात्व कषाय अवृत्ति और राग द्वेष भाव। ठीक है, कषाय भाव तो इनको भी आश्रम भाव का है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं ताते मूल आश्रव के भेद 13, मूल आश्रव के भेद 13 यथा ज्ञान वर्णाधिक 8 कर्माश्रव, आश्रव के 13 भेद देखो कौन कौन से बता रहे, 8 कर्माश्रव हो जाएंगे जो द्रव्य कर्म रूप हो गए, और फिर बताया औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मण और 9, ये 5 हो गए 9 कर्माश्रव, 5 तो हो गए, 8 तो हो गए ज्ञान वर्णाधिक कर्म और औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कार्मण। अब यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा आपको कि कारमार वर्णा कारमाण को 9 कर्माश्रम में भी लिया, और ऊपर जो 8 ज्ञान वर्णाधिक 8 कर्माश्रम उसमें भी वो आ गया, मेरा भी एक क्वेश्चन है। ज्ञान वर्णाधिक 8 कर्माश्रम ले लिए, ठीक है, और फिर शरीर आदि वाले लिए औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कारमाण, इनको भी लिया है, तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी आप पुट अप करना। ठीक है ना, जो भी वो पहले वाला क्वेश्चन। हाँ बोलिए, जो कार्मण शरीर होता है उसे क्या, उसकी परिभाषा क्या करते हैं हम, द्रव्य कर्म में परिणमित होने योग जो कार्मण वर्ण है उनके आने का नाम कार्मण शरीर होगा ना, जो कर्म जो द्रव्य कर्म रूप परिणमित होते हैं वो कार्मण वर्ण, उनके आने का नाम कार्मण होगा शरीर। और कोई इसके बारे में बताएगा क्या, तो फिर हम बाद में इसके पता करके इसमें हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, आगे बहुरी इनके कारण 57 भाव आश्रम हैं, वो कौन कौन से कि 15 योग 25 कषाय 12 अवृत और 5 मिथ्यात्व, ऐसे ये 57 भेद और भेद करने पर हो जाते हैं। 15 तो उन्होंने बताया कार्य की तरफ से, ठीक है, और 57 बताए उनके कारण की तरफ से, जो आश्रय हो रहा है जिन कर्म परमाणु, मतलब जिन परमाणुओं का आश्रय हो रहा है, जिनका आश्रय हो रहा है उसकी अपेक्षा से तो 13 भेद, और उनके कारण की अपेक्षा से 57 भेद। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना, कार्य मतलब जो कर्म जो आना हो रहा है, जिनका आना हो रहा है, आना आश्रय हो रहा है, उनकी अपेक्षा से भेद करेंगे तो 13 भेद, और उनका कारण क्या है, जो भी आ रहा है उसके आने का कारण क्या है, तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसायोग, उसकी अपेक्षा से भेद करेंगे तो 57 भेद। ठीक है, इस तरह आश्रय तत्व की चर्चा हमने की। आगे बंद तत्व, बहुरी बंद तत्व पदार्थ 4 प्रकार है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। आगे संवर तत्व, बहुरी संवर पदार्थ 2 प्रकार है, एक मूल संवर सोही भाव संवर कहिए, मूल संवर बोलो या भाव संवर बोलो, दूजा उत्तर संवर सो द्रव्य संवर कहिए। कहाँ मूल संवर 4 प्रकार है, मिथ्यात्व संवर, अवरत संवर, कषाय संवर और योग संवर, जो आश्रय से उल्टा है ना, तो 4 प्रकार के आश्रय लिए तो ऊपर, तो उन 4 प्रकार के आश्रमों का रोकना, तो वो 4 प्रकार का संवर हो गया, मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और योग। ये 4 तो मूल भेद है और इन्हीं के उत्तर भेद 57 है, तो जैसे 57 भेद आश्रय के बताए थे ऐसे ही 57 भेद संवर के हो जाएंगे। ठीक है, आश्रय को रोकने का नाम संवर है, तो जितने भेद आश्रय के बताए थे उतने भेद संवर के हो जाते हैं। आगे
मिथ्यात्व संवर के भेद 5, अवरत संवर के भेद 13, अवरत संवर के भेद 12, कषाय संवर के भेद 25, योग संवर के भेद 15, ऐसे 57 ये तो भाव संवर कही। इन भावनी का संवर कहिए रोकना, स्वभाव संवर कहिए, जो 57 प्रकार के भाव है ना, पूरे 5 मिथ्यात्व 12 अवृत्ति, इन भावों का रोकना स्वभाव संवर है। बहुरी इनके संवर होते ज्ञानावरणादिक उद्गल कर्मणी का आश्रय का अभाव होना रुक जाना सो द्रव्य संवर, जेता काल भाव संवर, तेता काल द्रव्य संवर जानना। ठीक है, जब संवर होगा इनका, इन भावों का संवर होगा तो उस संबंधी जो द्रव्य संवर है वो भी होगा। द्रव्य आश्रय जो हो रहा था वो द्रव्य आश्रय नहीं होगा, द्रव्य आश्रय का होना रुक जाना, इतना द्रव्य संवर भी साथ में होगा। जितने काल भाव संवर उतने काल द्रव्य संवर होगा। भैया आश्रम में तो नौ कर्म आश्रम भी लिया था, तो यहाँ पे नौ कर्म संवर क्यों नहीं लिया कोई, खाली द्रव्य कर्म को क्यों घटाया? उसका ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जब ये संवर होगा ना तो इस संवर के साथ साथ में वो भी हो जाता है। जैसे आश्रम में तो देखो एक होता, जैसे हमारे जो नाम कर्म की प्रकृतियां आदि होती है ना, नाम कर्म की उन नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण या नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय में ये संवर होता रहता है, नौ कर्म संवर है ना। अरे औदारिक शरीर आदि जो नाम कर्म की प्रकृति है ना, औदारिक तेजस आदि, तो उन कर्म के उदय में मतलब जो नाम कर्म जो कि द्रव्य कर्म का भेद है, ठीक है, उन कर्मों के उदय में नौ कर्म आश्रय हो रहा है। जीव के परिणामों से तो द्रव्य कर्म आश्रय हो रहा है, समझ ना, जीव के जो परिणाम है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय आदि, इन परिणामों से कौन सा आश्रय हो रहा है, द्रव्य कर्म आश्रय। और नौ कर्म आश्रय किन के कारण से हो रहा है, इस द्रव्य कर्म में जो एक नाम कर्म है ना उसका उदय आता है तो नौ कर्मों का आश्रय हो रहा है। जीव के परिणामों से नौ कर्म आश्रय का संबंध नहीं है, और संवर में जीव के परिणामों की अपेक्षा से संवर को घटित करेंगे तो संवर में क्या होगा कि उन परिणामों का नहीं होना तो उन द्रव्य कर्म आश्रय का नहीं होना, नौ कर्म आश्रय चलते रहेंगे, उनका जीव के परिणामों से संबंध नहीं है, उनका आघाती कर्मों के उदय से संबंध है, इसीलिए उनको यहाँ पे संवर में उन नौ कर्म आश्रय को रोकने वाली बात नहीं कोई, ठीक है ना। इसीलिए देखो ना 13वें अनुष्ठान में भी वो चलेगा क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है, अभी नौ कर्म विद्यमान है, नाम कर्म विद्यमान है, चार अघातीय कर्म विद्यमान है, तो चार अघातीय कर्म विद्यमान होने से नाम कर्म विद्यमान है, नाम कर्म विद्यमान है तो वो हो रहा है उस संबंधी आश्रय, नौ कर्म वाला, नौ कर्म वाला द्रव्य कर्म वाला नहीं, नौ कर्म वाला आश्रय संबंधी विद्यमान है तो वो चलता रहता है। जब तक अघातीय कर्म रहेंगे तब तक उनका भी ग्रहण होगा। जो बंध विच्छुक्ति की बात आती है उसमें ये द्रव्य कर्म वाली बात लेना, ठीक है। और हमने एक बात और भी पढ़ी ना कि तीर्थंकर के भी जो आश्रय होता है, आश्रय मतलब जो कर्म परमाणुओं का आना होता है या परमाणुओं का आना होता है, समय प्रबद्ध वाली बात आती है ना, एक समय में कितने परमाणुओं का आना होता है, कितने परमाणुओं का खिड़ना होता है, तो वो बात वहां भी घटित होती है। तो वो कितने परमाणु आ रहे, वो कौन से परमाणु लेना कि भी फिर वो नौ कर्म वाले परमाणु आएंगे, अब उनके भी योग भी चल रहा है और काय योग विद्यमान है, तो उसके कारण उनके उन नौ कर्म परमाणु का आना होता है और उसका संबंध नाम मतलब अघाती कर्म से है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ठीक है। हाँ हाँ चलिए संवर के बाद में निर्जरा के बारे में बताते हैं। देखिए आगे निर्जरा पदार्थ दो प्रकार है, एक मूल निर्जरा ताहियों को भाव निर्जरा कहिए, दूजी उत्तर निर्जरा सो द्रव्य निर्जरा, ठीक है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा जिसे मूल और उत्तर निर्जरा भी कहते हैं। तहां मिथ्यात्व कषाय भावनी के अनुभाग शक्ति समय समय क्षीण होए सो मूल निर्जरा है,
और ज्ञानवर्णादिक का समय समय स्थिति अनुभव का क्षीण होना झड़ना सो उत्तर निर्जर है। देखो थोड़ा एक शब्द का आपने डिफरेंस देखा होगा, जहां मूल निर्जर या फिर भाव निर्जर की बात ली वहां पे उन्होंने एक अनुभाग शब्द ही लिया है, ठीक है ना, और जहां द्रव्य निर्जर या उत्तर निर्जर की बात ली है वहां पे उन्होंने स्थिति और अनुभाग दोनों लिया। क्यों? क्योंकि कर्मों की स्थिति और अनुभाग साथ में पड़ी है, कर्मों की तो स्थिति और अनुभाग दोनों पड़ी हुई ना, लेकिन जो वर्तमान परिणाम चल रहा है वो एक एक समय का जो परिणाम चल रहा है उसमें स्थिति वाली बात नहीं ली, उसमें उसकी इंटेंसिटी या अनुभाग को लिया। तो जो मिथ्यात्व कषाय के परिणाम चल रहे ना, तो मिथ्यात्व कषाय भावनी के अनुभाग अनुभाग शक्ति समय समय छीण होना, अर्थात मिथ्यात्व कषाय छीण होना, ठीक ना। तो जैसे अनुभाग शक्ति में क्या लेंगे कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन आदि, है ना। मिथ्यात्व में क्या लेंगे? मिथ्यात्व समय, मिथ्यात्व समय प्रकृति। तो ये कम होना ये मूल निर्जरा होगी, जीव के परिणामों में ये कषायों का और मिथ्यात्व का जाना ये मूल निर्जरा। और यहाँ कर्मों की अपेक्षा से लेंगे तो फिर उन्होंने लिया ज्ञान वर्णादिक का समय समय स्थिति और अनुभाग का, जो आठ कर्म पड़े हुए इनकी स्थिति कम होना, अनुभाग कम होना और झड़ना, ये उत्तर निर्जरा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, 12 अवरत कौन कौन से हैं? 5-6 तो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों के और 1 मन के, और 6 प्राणी संयम हो जाएगा, 1 इंद्रिय 2 इन सॉरी क्या बोलते हैं 5 तो हो जाएंगे ये 1 इंद्रिय में 5, और एक हो जाएगा तिरस्घात। तो ये जो 5 5 स्थावर और 1 पंचिंद, 1 त्रस, ठीक है। तो ये षटकाय जीवना अनंत है, तो ये षटकाय के जीवों की रक्षा करना, ये व्रत हो जाएंगे 6, और 6 हो जाएंगे इंद्रिय संयम। तो इस तरह से 12 प्रकार की व्रत हो जाती, ठीक है। इस तरह निर्जरा में 2 भेद किए, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव में अनुभाग का कम होना मिथ्यात्व कषाय का, और द्रव्य निर्जरा में 8 कर्मों के स्थिति और अनुभाग का कम होता जाना और झड़ता जाना, उसको द्रव्य निर्जरा बोला। आगे मोक्ष तत्व, बहुरी मोक्ष तत्व भी 2 प्रकार है, एक भाव मोक्ष दूजा द्रव्य मोक्ष। तहां ज्ञान वर्णादिक 4 प्रकार के घात्य कर्मणी को अभाव करी अनंत चतुष्टय को प्राप्त होना स्वभाव मोक्ष है। भाव मोक्ष किसे लिया? अरिहंत अवस्था का प्रकट होना, है ना, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होना स्वभाव मोक्ष है। बहुरी सर्व कर्मणी का अभाव करी सर्व परद्रव्यनी से जुदा होना सुद्रव्य मोक्ष है। सिद्ध अवस्था को द्रव्य मोक्ष लिया है और अरिहंत अवस्था को भाव मोक्ष लिया है, ठीक है। इस तरह से मोक्ष को भी 2 भेद करके बताया, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। आगे पुण्य और पाप भी ले लेते हैं। अब पुण्य पदार्थ 2 प्रकार है, तहां प्रशस्त कर्मणि का उदय होते सांसारिक सुख साता का प्रकट होना इष्ट सामग्री का समागम होना सो उदय रूप पुण्य पदार्थ है, व मंद कषाय रूप भाव होना सो बंद रूप पुण्य पदार्थ है। ऐसे पुण्य पदार्थ 2 प्रकार है। देखो पुण्य को 2 भेद करके समझाया, एक उदय रूप पुण्य और एक बंद रूप पुण्य। उदय रूप पुण्य में क्या लिया? पुण्य का उदय, और पुण्य के उदय में जो सांसारिक सुख साता का प्रकट होना इष्ट सामग्री का समागम होना, इसको उदय रूप पुण्य में लिया। और मंद कषाय रूप भाव होते हैं और बंध पुण्य कर्म का होता है, तो ये दूसरा भेद हो जाएगा बंध रूप पुण्य। ऐसे ही पाप में भी लिया। अब पाप पदार्थ 2 प्रकार है, तहां अप्रशस्त कर्मणी का उदय होते संसार विषय दुख सामग्री का समागम होए ताकरी जीव दुखी होए सो उदय रूप पाप पदार्थ है, ये उदय रूप पाप पदार्थ। और बहुरी संकलेश भावनी करी अनेक पाप कर्म करना सो बंध रूप पाप तत्व है, ऐसा पाप पदार्थ जाना। तो इस तरह से पुण्य के भी 2 भेद किए और पाप के भी 2 भेद किए, एक उदय रूप और एक बंद रूप, ठीक है ना। इस तरह से ये पुण्य पाप पदार्थ बताकर टोटल 9 पदार्थों के बारे में बताया। इस प्रकार कहे 9 पदार्थ तिनका यथार्थ स्वरूप ग्रहण करना।
हो गया समय। अच्छा अभी आज का समय हो गया, 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए सौम्य जी आपको फोरम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उनसे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो उनके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वो 5 मिनट में आपको उसके बारे में बता दे रहे हैं। जिनवाणी स्तुति के बाद में बताएंगे, लेकिन मैं बस सूचना इसलिए दे रहा था कि आप सभी थोड़ा रुक जाए बाद में, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसवणम। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन भगवंतों की जय हो। द्वासंगी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। बोले जिनवाणी माता की।